अपने बेटों को आशीर्वाद के सिवा दे भी कह सकते हैं। मैं भी अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आज मैं इस लड़की की कहानी तुझे जरूर सुनाऊंगा। शायद तुमने महाराज अंजान सिंह का नाम सुना होगा। सुना था महाराज अंजान सिंह, उनका भाई रंजीत सिंह और रंजीत सिंह की बीबी लीलावती, अंजान सिंह का बेटा भरत, भरत की बीबी लक्ष्मी और लक्ष्मी की गोद में एक छोटा सा बालक। कितना हंसता खेलता परिवार था। इसमें भयंकर कहानी से क्या ताल्लुक है मेरा? इंस्पेक्टर, कहानी सुनते जाओ, ताल्लुक खुद ब खुद निकल आएगा। कितना हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर। एक दिन अंजान सिंह का चौथा बना गया और वो अपना राजपाट अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को सौंप कर भगवान की भजन के लिए बियावान चले गए। और जानते हो इंस्पेक्टर, एक दिन
एक दिन भरत की चाची माँ लीलावती को ना जाने क्या सूझा, उसने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और उससे गंदी गंदी घिनौनी घिनौनी हरकतें करने लगी। लेकिन जानते हुए भरत ने उसकी एक भी बात न मानी और किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसकी चाची माँ ने उसके पिता जान सिंह का खून भरवा दिया, क्योंकि बाद में भगवान की भजन कर रहे थे और उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। चाचा जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बहुत मारा। मारने के बाद उसे 5 महीने की सजा सुना दी और दरबारियों से कहा ले जाओ इसे जेल में डाल दो। दरबारी लोग मुझे तुझे इसका मतलब तू भारत है, भारत से भयंकर कैसे बना? जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही वो भागा भारत। दरबारी लोग मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे थे, लेकिन चाचा जी ने दरबारों से कहला दिया था जेल ले जाने से पहले इसको इसकी बीवी से मिला देना ताकि वो भी इसकी करतूतों को जान सके। दरबारी लोग मुझे पकड़कर नई लक्ष्मी के पास ले गए। जेल जाने से पहले मैंने ये लैकेट अपनी लक्ष्मी को दिया और इससे कहा मेरे मुंडे के गले में डाल देना। मैं तो जेल जाने गया इंस्पेक्टर, लेकिन इधर देखिए इंस्पेक्टर चाची वाले नई लक्ष्मी को मार मार कर घर से बेघर कर दिया। ये महलों में रहने वाली कहाँ जाती और कहाँ से अपना पेट भरती और कहाँ से अपने मुंडे के लिए दूध लाती। एक दिन ये बहुत भूखी थी इंस्पेक्टर, इसका मुंडा भी भूखा था, भूख से तड़प रही थी तो अपने पापी पेट के लिए और अपने मुंडे के दूध के लिए मजबूर होकर इतने लोगों से भीख तक मांगे। इंस्पेक्टर भीख तक मांगे, कौन इस संसार में ऐसा इंसान है जो किसी को दो वक्त की रोटी दे सकता है इंस्पेक्टर? तब भी इसका पेट नहीं भरा, अपने मुन्ने के दूध के लिए और अपने पापी पेट के लिए जानते हो इंस्पेक्टर इसने उस विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली दिनों रात। इन्हीं हाथों से लकड़ियां काटती थी तो कहीं दो वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक लक्ष्मी जंगल में लकड़ियां काट रही थी, वो विक्रम सिंह जंगल में पहुंच कर मैं लक्ष्मी को बहुत मारा, मार मार कर इसे बेहोश कर दिया और उसके मुन्ने को इसे छीन लिया गया। और इस दिखा के बाद देखिए उसी दिन मेरी भी सजा पूरी हो गई थी और मैं जेल से छूट गया उसी रास्ते से आ रहा था इंस्पेक्टर जहां मैं लक्ष्मी भी होश बनी थी। अगर उस वक्त कोई पत्थर दिल इंसान में होता इंस्पेक्टर तो उसका भी कलेजा पिघल जाता। काफी समझाने के बाद काफी मिन्नतें करने के बाद जब ये होश में आई तो पागलों से चिल्लाने लगी मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुल्ला कहाँ है, मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो। मैंने भी इसके सर पर हाथ रखकर सौगंध दिखाई और उसे यकीन दिलाया कि एक दिन मैं तेरी औलाद को तुझसे जरूर मिलाऊंगा। और ये मैं एक दिन उस विक्रम सिंह की हवेली जा रहा था। मैंने सोचा जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूँ उस विक्रम सिंह को भी तड़पाऊं ताकि उसे भी मालूम हो औलाद का दर्द क्या होता है। लेकिन जानते हो मुझे रास्ते में एक आवाज सुनाई पड़ी
जानते हो इंस्पेक्टर, आवाज किसकी थी? और किसी कैद की नहीं, तुम्हारे बापू सबू बढ़े की थी। और वो तुम्हें पुकार रहे थे, वहां तुम नहीं, तुम्हारा कलू नहीं। ए भयंकर सिंह पहुंचा, उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है, ये लाइन मेरे बेटे तक पहुंचा देना, उसका नाम सूरज है। लेकिन मरने से पहले उसने मुझे ये भी बताया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे जंगल में लकड़ियां काटते वक्त पाया, ए लाइन मुझे दिया। चाहते इंस्पेक्टर, मैं फिर उस विक्रम सिंह की हवेली पर जा रहा था, रास्ते में मुझे लड़की मिली, इसने अपना नाम सपना बताया और अपने बहन का नाम विक्रम सिंह बताया। मेरे सीने में बदले की भावना जाग उठी, मैं इसे उठाकर इसी मंदिर पे ला रहा था। तुमने हमारा रास्ता रोका इंस्पेक्टर, और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मैं कर सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना सिवाज इंस्पेक्टर तुम्हें गोली मार देगा। लेकिन मैंने अपने आदमी से कह दिया था कि इंस्पेक्टर पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि जानते हो इंस्पेक्टर सब बढ़ाई की बात से और इस लाकर से साफ जाहिर होता है कि तू मेरे बेटे नहीं, भयंकर खूनी का बेटा नहीं हो सकता। भयंकर तू खूनी है भयंकर। तू मुझे गोली मारेगा? हाँ भयंकर, मार दे मुझे गोली। अरे ले जीना चाहता हूँ मैं, बल्ला चाहता हूँ मैं। अरे तंग आ गया हूँ जिंदगी से, जीना चाहता हूँ मैं। लेकिन तू इससे क्या मारेगा इंस्पेक्टर? तू मुझे मारना चाहता है ना? इस जिस्म के इतने टुकड़े कर कि कोई कीड़ा भी चाहे तो ठीक हो सके। इंस्पेक्टर तुम मुझे साउथ से भर दो इंस्पेक्टर। लेकिन कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम मुझे साउथ से भर दो इंस्पेक्टर। लेकिन मेरे मर जाने के बाद जो यह औरत खड़ी है, इसका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है इंस्पेक्टर। मेरे मर जाने के बाद तुम इसे अपनी बात समझे इंस्पेक्टर। बार मुझे कहता क्या है? मैं कहता हूँ बार मुझे मरना चाहता हूँ मैं। या भगवान, अरे कैसा भागा बाप हूँ मैं कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है, उसे बेटा कहकर अपने सीने से नहीं लगा सकता। ए भोलेनाथ, अरे ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? सूरज, एक बार और पुकार लीजिए। पिताजी, सूरज, पिताजी।
सूरज चंद्र अपनी मस्ती में देखते ही प्रयोग में उसकी क्या हालत हो गई है। चंद्र अपनी मस्ती में तो मुझे बताना सूरज चंद्र की ठोकर किसने खिलाया है? बोल माँ, इधर खोल के आंसू किसने रुलाया है? माँ तुम सूरज से कुछ नहीं बताओगे, कुछ नहीं बताओगी। तुझे मेरी कसम, अगर आज अपने बेटे से नहीं बताएगी तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह बेटा, मुझे खुद के आंसू उड़ाने वाला और कोई नहीं, वो हराम ज्यादा विक्रम सिंह और वो चाची माँ है। तुमने क्या कर दिया लक्ष्मी, ये तुमने क्या कर दिया? सूरज चाचा और चाची को कुछ कहेगा तो क्या होगा लक्ष्मी? अरे तुम कैसी माँ हो? अरे बरसों के बाद तुम्हारा बेटा मिला और तुमने ये तुम हम अपने पिता के बच्चों को कभी भूल नहीं कर सकेंगे। क्या तुम भूल गई पिताजी का अंतिम वचन? चाची माँ को माँ समझना और चाचा को पिता समझना। अगर ये सूरज चाची माँ और चाचा को कुछ कहता है तो हम अपने पिता के बच्चों को कभी भूल नहीं कर सकेंगे। ठीक कहते हैं, अगर आज सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो हम पिताजी के बच्चों को कभी नहीं भूल पाते। ये लो बंदूक, अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने में गोली। अरे यही कि मैं भूल जाऊंगी कि हमारी कोई औलाद नहीं है। ये तो कहती हो लक्ष्मी, अरे जिस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, तुम कहती हो मैं उसे गोली मार। अरे कैसी माँ हो तुम लक्ष्मी, कैसी माँ हो तुम? क्या भूल गए कि हम छत्री हैं, बच्चों के लिए तो हम अपने आप को भी मिटा सकते हैं, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। हम अपने पिताजी के बच्चों को भूल करने के लिए उतार देंगे उसके सीने में गोली। उतार देंगे सुबेरा हो गया। वही तो सूरज भगवान निकल आए हैं। निकल आए देख सो काम में देर मत कर, महारानी को बुलाओ। अब कुर्सी लगा साले, कुर्सी उठ उठ। अरे जानू क्या देखो सबेरा हो गया, अब फटाफट हम महाराज तुम यहाँ महारानी। वो तो महाराज अभी तक बने ही नहीं हो तुम। अरे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आशीर्वाद चाहिए बस। तो चलिए मेरे साथ। क्या चलिए
देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से अपने बेटों को गोली मार दी। नहीं, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, अरे अपने हाथों से अपने बेटों को गोली मार दी। नहीं भोलेनाथ, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैंने परसों तेरी पूजा की है, अगर मेरा बेटा मर गया तो आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, आप पत्थर के कहलाएंगे भोलेनाथ, पत्थर के कहलाएंगे। सूरज समझ गया भोलेनाथ, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरी बर्बादी का तमाशा देख सकता है, तो आज आज मैं तुझे बर्बादी का तमाशा जरूर दिखाऊंगा। अरे जब इस संसार में मेरा बेटा ही जीवित नहीं रहा तो मैं भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मिटा दूंगा अपने आप को। आंखें खोल कर देख, आज यहां से एक नहीं बल्कि दो दो लाशें जाएंगी, मिटा दूंगा अपने आप को। आज मैं भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, अरे नहीं रहूंगा इस संसार में। ये तू क्या करने जा रहा है, आज तूने अपने बेटे का बलिदान करके अपने पिता के पांच वचनों को पूर्ण कर लिए बेटा, तेरी वर्षों से की हुई पूजा से आज मैं प्रसन्न हूँ। उठा अपने बेटे सूरज को अपने गले से लगा, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। नारायण नारायण। तू ठीक तो है ना सूरज? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज तू बदले लेना चाहता है ना? सूरज आज मैंने तेरा बलिदान करके अपने पिता के बच्चों को फूल कर लिया है। क्या सूरज ओ धर्म के भाग रहे, उनके पैरों के नीचे से जमीन कब पड़ जाएगी, लेकिन मौत मौत उनका पीछे नहीं छोड़ेगी। लेकिन सूरज वहां जाने से पहले तुझे एक काम करना है, तेरे चाचा जी तेरे दादाजी जो जेल में बंद है, वो छुड़ा और तेरे काम आएंगे। ठीक है पिताजी, सबसे पहले वो दादाजी को छुड़ाते हैं। मैं भी अपने बेटे के पास जाऊंगा, हो सकता है मेरे बेटों की मेरी आवश्यकता पड़े, मैं भी वैसे छोड़िए वो जो होता हो गया। ए जी क्या है? अब हमें लगता है तुम राजा बन जाओगे। ए जी जैसन सोचले रहले वैसन पियवा हमारी बाज, ई जैसन सोचले रहले वैसन पियवा हमारी बाज, हर सावन न करी सजले रहलू
विक्रम से। देखो इस पट्टे रखे हम लोगों का लपचिक लपचिक चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब मत करो। विक्रम से आज से कोई मिलना चाहता है? आज देखो हम किसी से नहीं मिलना चाहते, आज सलून में हमारी मीटिंग है। विक्रम सिंह मीटिंग में जाओगे लेकिन मिल लेने के बाद कोई टूपर तो नहीं? आपसे जो मिलना चाहता है हम उसे मिलाते हैं। कोई बात नहीं, जितना मिलाना है 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का। अब वो आए हमारे पैर छूले, हम उसे आशीर्वाद दे दो चला जाए। दादाजी बात करिए विक्रम सिंह से। विक्रम अरे दोस्तों, दोस्त कहता है राजा यूट्यूब का क्या हाल है? क्या पैसा वैसा आया कि नहीं? राम जाते सबसे बड़ा यूट्यूबर तो तू ही है। कहाँ का दोस्त रह गया? एक तरफ दोस्त कहता है और दूसरी तरफ दोस्त के पीठ में खंजर घोंपता है। क्यों बहुत डाउट कर साले, क्या निकाल रहा है? निकाल क्या रहा है उसे? आइटम आइटम निकालता हूँ अभी तेरा आइटम। गुटका खाता है इसीलिए दांत टूट गया है तेरा हराम जादे। अरे साले हमारे टुकड़ों में पलने वाला हम मालूमदार इसके मालूमदार साले छूने से डरता है गारे। हराम जादे विक्रम हराम जादे, तू तो हमारा बचपन का दोस्त। देखो दोस्त हराम बनने का तेरा आज हमें पछतावा हो रहा है। पछतावा हो कि हमने अपने दोस्त से दुश्मनी करके नहीं किया है? साले तूने कर दिया। देखो तुम लोग कैमरा बंद कर दो नहीं तो समझो बुरा हाल हो जाएगा। हराम जादे कहते हैं अगर एक दूसरे को जलोगे तो वो जलन तुम्हारे। हम नहीं जलते हैं, तुम ही जलते हो, इसीलिए अचानक मेला का बेटी मास्टर साहब कहाँ विक्रम से आपके पापा खड़ा भर चुका था। देखो इस पटर महाराजा को समझा दो हम ऐरा गहरा आदमी नहीं है। वो तो जानता हूँ हराम जादे नरिमा को डटकर के ठोकरे खिलाया है, हर की आस्तीन लाया है, जिस तरह तूने मेरी माँ को सताया है ना आज अपने दोस्त इतना सताया। नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जो कुछ आज मुझे ऐसे मौत मारेंगे विक्रम सिंह, ना तो किसी तरुण के किताब में लिखी होगी ना तो किसी मुजरिम ने। नहीं 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 ना ना तो महारानी जी को बुला। देखो जब लेडी जेंट्स में बात हो तो लेडी की कोई जरूरत नहीं है। आप जादे कहते मार से बचना चाहता तो महारानी जी को बुला। मैं मार से मारता हूँ, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। माना नहीं, माना नहीं, मार के आगे बदलना चाहिए। हे बप्पा रे बप्पा,
ऊपर वाला बंद कर दे मारा। अरे तीन बार से अप्लाई कर रहा हूँ, हमारा चैनल चल नहीं रहा है। बुलाता हूँ महारानी जी, हक हो जानू।